एक दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने आया, नदी पार किया, खड़ी पार किया, नाव नहीं, नदी पार जलसा सुना। हजरत तकरीर कर रहे थे कि ये सितरे औरत है, घुटना से ये घुटना से ऊपर ये है ना ये हिस्सा, ये सितरे औरत है, इस हिस्से को भी छुपाना जरूरी है, इस हिस्से से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। हजरत तकरीर कर रहे थे, दादा पोता तकरीर सुना, सारे लोग तकरीर सुने, दुआ हो गई, जलसा खत्म हो गया। अब दादा पोता फिर घर चले, नदी पार किए, तो नाव तो है नहीं, कश्ती है नहीं, पैदल पार करना है, तो दादा आगे थे, पीछे पोता था। जब नदी पार किया तो दादा की नजर पड़ी पोते की लुंगी पर, तो बोले कना लुंगी भींगे ले। बोला मामूली साहब तकरीर कर ली सुन लानी कि घुटना से कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम है। तो दादा बोलियो ती मौलवी के चक्कर में पड़ गया, तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए, हम 20 साल से जलसा सुनने नदी के उस पार जाते हैं, हम जो वहां सुनते वही छोड़ देते, हम इधर लेके नहीं आते, ते हमरा देख ले नी लुंगी खोल लान मथा में बह लान दरिया पार भाग ला। फायदा हुआ, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, रास्ता निकाल दे। बस सुनने की नीयत से, अमल की नीयत से बैठिए, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तौबा करके उठना मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तौबा करके उठना। गुनाह चाहे तुम्हारा जमीन से लेकर आसमान तक क्यों ना भर गया हो, सिर्फ 3 बोल बोल लो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। 3 बोल बोल लो, सिर्फ 3 बोल बोलो, तुम्हारा गुनाह अगर जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच गया है, अल्लाह तेरे गुनाहों को ऐसे धो देगा जैसे अभी कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ है। इंशाल्लाह ये 3 बोल बोलोगे, इंशाल्लाह मेरे बच्चों बोलोगे, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारा गुनाह जमीन के ज़र्रात के बराबर क्यों ना हो जाए, आसमान के सितारों के बराबर क्यों ना हो जाए, समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो जाए, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा तुम्हारा बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, ये सिर्फ 3 बोल बोल लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को धो देगा, धो देगा। अब वो 3 बोल क्या है, वो 3 बोल बोलने के लिए 3 सेकंड लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड, मिनट नहीं, सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड लगेगा, अल्लाह सारे गुनाहों को धो देगा, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। बस हमद पाक के 2-3 शेर अगर इजाजत हो तो सुना दूं, अच्छा लगे तो आमीन बोल देना। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों, देखिए वो बोलता है सुभान अल्लाह, अच्छा एक पते नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी, अरे मथा में दर और जीत टेबलेट खबा की गर्दने का देख हो की बोलवा आमीन की बोलना जी। अच्छा कुलैया भाषा आप लोग समझते हैं, है बोले समझते हैं, बंगला बुझे ना, अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा,
कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दल गुजर कर दे, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दल गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दल गुजर कर दे, खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैताने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दल गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम मैं तेरा इलाही, दल गुजर कर दे। आमीन बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग तौबा करके उठेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में। जितने भी हमारे बच्चे आए हैं, नौजवान आए हैं, हमारे बुजुर्ग आए हैं, जो हमारी माँ बहनें आई हैं, इंशाअल्लाह एटाई तीन टे बोल बोले नो, एटाई तीन टे बोल बोले नो, तीन सेकेंड लगभग। अल्लाह नबीर फरमान आछे कि जिंदगी के सारे गुनाहों को मेरा अल्लाह धो देगा, मेरा अल्लाह माफ कर देगा, मेरा अल्लाह रहीम है, मेरा अल्लाह करीम है। वो इस इंतजार में है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, इस जमीन पर जब कोई बंदा गुनाह करता है, कोई बंदा जब गुनाह करता है, मान गए जिना करता है, कोई चोरी करता है, कोई किसी के ऊपर में जुल्म कर दिया, तो ये जमीन कहती है कि या अल्लाह तू इजाजत दे दे मैं फट जाऊं, इसको अपने अंदर मैं समेट लूं। समंदर कहता है कि या अल्लाह ये तेरा गुनहगार बंदा है, तू इजाजत दे दे मैं चढ़ जाऊं। फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह ये गुनहगार बंदा तेरा ही तेरी इजाजत हो तो मैं इसका गर्दन उड़ा दूं। तो मेरा अल्लाह कहता है ए फरिश्तों खामोश हो जाओ, ए जमीन खामोश हो जाओ, ए आसमान खामोश हो जाओ, मैं इस इंतजार में हूं, मेरा बंदा है वो कभी तो तौबा करेगा, मैं इस इंतजार में हूं, मेरा बंदा जाने मैं जानू, वो गुनहगार है सही है, वो मेरा बंदा है ना, मैं जानू मेरा बंदा जाने, मैं इस इंतजार में हूं कि कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा, कभी तो तौबा करेगा। तो मेरे बच्चों नौजवानों, गुनाह हो जाए ना तो दिल छोटा नहीं करना, रब की बारगाह में तौबा कर लेना कि या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मुझसे गलती हुई है, भूल हुई है, तू माफ कर दे। अरे मूसा अलैहि सलाम का जमाना है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश का होना बंद हो गया, लोग परेशान हो गए, जानवर मरने लगा, बूढ़ा तड़प रहा है, बच्चे बिलक रहे हैं, सारे लोग मूसा अलैहि सलाम के पास आए कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, दुआ कीजिए अल्लाह अपनी रहमत को बरसा दे। तो मूसा अलैहि सलाम 70,000 लोगों को लिए, कितने लोगों को लिए भाई, अरे भाई बोलो भाई कितने लोगों के लिए, 70,000 लोगों के लिए मैदान में गए, मैदान में जमा हुए और सारे लोगों को लेकर दुआ करी कि या अल्लाह ये 70,000 लोग हम लोग जमा हैं, ए अल्लाह हम सब की दुआ कबूल कर ले, पानी बरसा दे। तो गैब से आवाज़ आई, मेरे अल्लाह ने कहा मेरे मूसा मेरे पैगंबर मेरे नबी सुनो, ये तुम्हारे 70,000 जो बैठा है ना, इसमें एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है और मेरा मुकाबला कर रहा है, जब तक वो निकलेगा नहीं हम बारिश नहीं बरसाएंगे, जब तक वो, अरे भाई बोलो भाई, बारिश नहीं बरसेगी। तो मूसा अलैहि सलाम ने वो 70,000 लोगों में से कहा भाई कौन है, भाई वो गुनहगार कौन है, निकल जा इस मजलिस से, निकल जा, तेरी वजह से अल्लाह की रहमत से हम लोग महरूम है, निकल जा। तो जो बंदा था ना, जो बंदा था गुनहगार, वो दाएं बाएं आगे देखा कि हो सकता है कि हमसे भी बड़ा कोई गुनहगार हो,
शायद वो निकले, लेकिन कोई नहीं निकला। ये समझ गया कि मैं ही हूं, हम ही हैं, मेरे अलावा और कोई गुनहगार नहीं है। तो सोचा कि इस वक्त अगर मजलिस से निकलेंगे, जलसगाह से निकलेंगे, तो लोग क्या कहेगा कि कितना बड़ा गुनहगार है, कितना बड़ा खताकार है, कितना बड़ा मुजरिम है ये, कि जिसकी नहुसत की वजह से अल्लाह ने अपनी रहमत को रोक रखा है। तो वो शख्स नहीं निकला, वहीं बैठे बैठे ना एगो रुमाल अपने चेहरे पे रखा, गमछा, और बोला कि या अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं, या अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं, या अल्लाह हम गुनहगार सही हैं, हम गंदे हैं, आखिर है तो तेरे बंदे मेरे मौला। मौला हम गुनाह करें तो तौबा करने किसके दर पर जाएं, तेरे दर के अलावा कोई दर नहीं। या अल्लाह हम सिदके मन से, तबीयत से, दिल से तौबा करते हैं, मेरी तौबा को कबूल कर ले। इतना कहना था, बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया और देखते देखते बादल घेर लिए चारों तरफ से, ले बारिश की दे बारिश, मौसलाधार बारिश। मूसा अलैहि सलाम हुए हैरत है, कहा कि या अल्लाह अभी तूने तो कहा था जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसेगी, अभी तो वो निकला नहीं। तो अल्लाह ने जवाब दिया, मुसलमानों तरफ जाओगे, अल्लाह ने कहा मूसा जिसकी वजह से बारिश रोक रखा था उसी के तुफेल बारिश को बरसाया है। सुभान अल्लाह, बोला दरवाजा, जिसकी वजह से बारिश को मैंने रोक रखा था ना उसी के सदके में, उसी के तुफेल मैंने बारिश बरसाया है। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा या अल्लाह वो कौन तेरा बंदा है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा जब मेरा वो नाफरमान था, अय हाय हाय, जब वो मेरा नाफरमान था हम उसको कभी रुसवा नहीं किए, अब तो मेरा फरमा बरदार हो गया है, अब उसको हम रुसवा कैसे करें, अब हम उसे रुसवा कैसे करेंगे। कुर्बान जाओ, अल्लाह कितना प्यार करता अपने बंदे से, कितनी मोहब्बत करता है। मेरे बच्चों अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे रब को हमेशा मददगार पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, गुनाह अगर शैतान वरगला दे, गुनाह कभी हो जाए, गुनाह कर बैठो, तो घबराना नहीं, तुरंत अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना। वो तीन बोल बोलने हैं। अब वो लास्ट में थोड़ा हमको याद दिलाइएगा कि वो तीन बोल कौन से हैं। 3 सेकंड लगेंगे, अल्लाह आपके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अजब ही मौना मंजूर नुमानी साहब दामद बरका, तो हमने बहुत अच्छी तकरीर करी, जहेज के बारे में बता रहे थे हजरत, जहेज के बारे में कुछ बोल रहे थे हजरत, क्या है? अच्छा एक चीज़ बताइए, जहेज लेना अगर जायज़ होता, अच्छा ये बीमारी छे इधर छे है यो है, थपाची गाड़ी इधर भी है, हम तो समझे ये बीमारी खाली बंगाले में है, ये बीमारी बटोरबारी में भी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर जहेज लेना जायज़ होता हलाल होता, तो सबसे पहले हम लोग ना लेते, क्या आप ही लोगों के लिए छोड़ देते कि तुरहस नहीं ला हमारा सीने ले वो? आपने किसी आलिम को देखा है कि शादी किए हैं वो और जहेज मांग कर लिया? किसी आलिम को देखे, मुफ्ती साहब को देखे, शेखुल हदीस को देखे, तबा ताबेईन को देखे, अकाबिरीन को देखे, अल्लाह के वलियों को देखे, सहाबाए कराम को देखे, अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, क्या किसी रिवायत में है कि अल्लाह के हबीब ने जहेज लिया हो? जब अल्लाह के रसूल ने नहीं लिया, सहाबा नहीं लिए, तब ताबईन ने नहीं लिया, अल्लाह के वलियों ने नहीं लिया, मुहद्दिस ने कराम ने नहीं लिया, मुफक्किरीन ने कराम ने नहीं लिया, अल्लाह के वलियों ने नहीं लिया, उलमा जब नहीं ले रहे हैं, मुफ्ती साहब नहीं ले रहे हैं, तो आप कितना बड़का काजी है जो आप जहेज ले रहे हैं? सूद खाना क्या है बोलो भाई? अरे भाई बोलो भाई, शराब पीना, जुआ खेलना, जिना करना, जहेज लेना, बोला बताओ इकरा। अच्छा कितना आदमी पहले से घर बना कर रखता है जहेज के लिए?
रूम बन के तैयार है, खाली रूम जे हो बोले मुन्ना अगर बिहानी जी जह जाती तो ग्रह में डूबती। अच्छा एक चीज ये बताओ, जिस लड़की वाले से, ए बेटा बैठ जाओ, जल्दी बैठो जल्दी बैठो, एक चीज ये बताइए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, जिस बेटी वाला से आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया लीजिएगा, तो जिस लड़की को आप बीवी बनाइएगा उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई बोलो भाई, पता चलेगा ना कि मेरे बाप से मेरा शौहर पैसा मांग रहा है। अच्छा पैसा दे दिया तो बेटी को पता चलेगा, बाप तो बोलेगा इतना पैसा लिया उन लोगों ने, तो बताओ वो बीवी सच्ची मोहब्बत करेगी? अरे सच्ची मोहब्बत करेगी, वो तो अंदर अंदर जलेगी कि कैसा लालची आदमी है मेरा शौहर बना है, मेरे बाप से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए ले लिया। वो दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो ना भाई, इज्जत करेगी? वो मायके ससुराल आ जाएगी, कभी पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिया दबा देगी? बोलो तो नट्टिया दबा खत्म कर दो, बहुत जहेज लिए हो। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में कि ना हम जहेज लेंगे ना हम जहेज देंगे, ना लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाना, ईमानदारी के साथ उठाना। और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा? अरे जिल्ला लाज वापस करवाओगे? ए दुनिया वालो छोड़ दो, ए दुनिया वालो छोड़ दो, आदत जहेज की, ए दुनिया वालो छोड़ दो, आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज तो ए दोस्तो दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह हमारे नौजवानों को एक बात याद रखना, नौजवानों नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो फरमा बरदार होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो हाफिज कुरान होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो आलिम दीन होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा। और जहेज लेकर ब्याह करोगे, नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे तो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, बच्चा बौका पैदा होगा, बच्चा बहरा पैदा होगा, बच्चा अंधा पैदा होगा, बच्चा 61-62 करने वाला पैदा होगा। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अच्छा देखिए, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, जिस काम का आगाज गुनाह के साथ हो उसका अंजाम अच्छा होगा भाई, जिस काम का। अच्छा साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह किस काम में बरकत है, या हबीब अल्लाह किस काम में, किस चीज में बरकत है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह करो, निकाह में बरकत है। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाल्लाह, निकाह करो। अरे भाई बोलो भाई, निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह करो, निकाह में बरकत है। तो कौन से निकाह में बरकत है? जो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया जाएगा उस निकाह में बरकत है। तुम्हारा रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, इंशाल्लाह निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, अल्लाह तेरे लिए रिस्क का दरवाजा खोल देगा, रोजी का दरवाजा खोल देगा, कारोबार का दरवाजा खोल देगा, उस लड़की का कदम तेरे घर में पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। हराम काम से निकाह का आगाज नहीं करना, हराम काम से निकाह का आगाज नहीं करना, बड़ा नेक अमल है, बड़ा नेक अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इजाजत दिया है, हुक्म तो नहीं दिया है, अल्लाह ने इजाजत दिया है। एक पसंद आए कर लो, दूसरी पसंद है, दूसरी पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है तो, अरे बोला नहीं हो, तीसरी पसंद है तो कर लो, चौथी पसंद है तो, अरे बोला ना भाई,
कर लो, इसके बाद अगर पसंद है तो ये पसंद नहीं है तुमको खुजली है, बीटेक्स की दवाई लगाओ तुम। मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सोलासा व रोबा, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, इजाजत दे दिया, एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो, लेकिन याद रहे खाली ब्याह करने से नहीं होता है, उसका हक भी अदा करना होगा, एक इंसाफ करना होगा, एक झुमका उसके लिए खरीदे हो तो वैसा ही झुमका दूसरा उसके लिए भी खरीदना होगा, एक चूड़ी जिस रंग का उसके लिए खरीदे हो पहली बीवी के लिए तो उसी कलर की चूड़ी दूसरी बीवी के लिए भी खरीदना, 12 चूड़ी उसके लिए हो तो 12 चूड़ी इसके लिए भी लेना, अगर इंसाफ नहीं कर सके तो यकी काफी है, इंसाफ अगर नहीं कर सको तो यकी काफी है, और हलाल रोजी कमा कर बीवी को नहीं खिला सकते हो तो निकाह मत करो, शरीयत कहती है फिर निकाह मत करो, तो क्या करो, तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह कहते मर जाओ। एक आदमी ना जुमेरात के, एक आदमी इरादा किया कि हम दूसरी शादी करेंगे, बोला कितना ये एक टाला घूमते रहे, वो मैं एक ढोल कितना बजे, वो दूसरी शादी करेंगे, उसकी बीवी को पता चल गया कि दूसरी शादी के चक्कर में है, बोला अच्छा तो दूसरों भी हाँ मैं करा दिया, बीवी रात में बनाई खाना, दाल बनाई, भात बनाई, तरकारी बनाई और उसमें नींद की टेबलेट मिला दी, ये गो नींद की टेबलेट, 12 गो नींद की टेबलेट मिला दी, रात में खाया ये खाना, सोया, सोते रह गया, 3 दिन बाद उठा, कई दिन बाद उठा, तो ये जुमेरात के दिन सोया था तो दोपहर में आँख खुली, घड़ी देखा 12 बज गया, जल्दी से गुसल करके आया, कपड़ा पहनने लगा तो बीवी बोली कहाँ जे जा, बोला जुमा पढ़ेंगे, बीवी बोली जुमा नहीं जाइए तो आरजी, तो 3 दिन सुतलो चलाते, और सुनने में आया कि आप दूसरी निकाह करने के चक्कर में हैं, तो बीवी बोली को इरादा छोड़ दीजिए, अभी 3 दिन सुलाए हैं, इरादा अगर नहीं छोड़े तो ऐसी टेबलेट खिलाएंगे ना कयामत में उठिएगा, बोले नहीं नहीं करेंगे ब्याह। नौजवानों निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, बीवी के भी जो कुछ का कहते हैं कि बीवी को इज्जत दो, वो किसी की बेटी है, किसी की लाडली है, किसी के घर की शहजादी है, बीवी से मोहब्बत करना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, बात समझ में आ रही है भाई, बात समझ में आ रही है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, कुर्बान जाओ, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए अपनी बीवी को इज्जत दो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, जब एक मियां बीवी आपस में मोहब्बत से बात करता है, गुफ्तगू करता है, अल्लाह मुस्कुराता है, अल्लाह खुश हो जाता है, फरिश्तों से मेरा अल्लाह कहता है तुम गवाह रहो मैं इन दोनों से राजी, कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मकाम है, यो कुर्बान जाओ, सबसे पहला रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता, हाँ ये माँ बाप भाई बहन, ये दादा दादी, ये तो बाद में, सबसे पहला रिश्ता जन्नत में हजरत आदम अलैहि सलाम का निकाह अम्मा हव्वा से हुआ, ये पहला रिश्ता था, और कुर्बान जाओ पहला रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता है, इसलिए बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, बड़ा मुतबर्रक रिश्ता है, बड़ा मुबारक रिश्ता है, इसलिए बीवी को इज्जत दो, जलसा इस्लाहे मुआशरा था इसलिए मैंने आपको पैगाम दिया। अच्छा देखिएगा, पहले ज़माने में था मुखिया साहब, मुखिया शोएब साहब हमारे दरमियान है, और दिगर उलमाए किराम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो उलमा की जमात है कि जिनके चेहरे को भी देखना सवाब है, सुभान अल्लाह, बोला तमाशा।